आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो कमाल का होने वाला है। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो जिंदगी में काफी अधिक मेहनत करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं या फिर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग इस दुनिया के अंदर वाकई अमीर बनते हैं और वो जिंदगी जी के जाते हैं जो वो वाकई जीना चाहते हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सच में पैसे कमा पाते हैं, पैसे बना पाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए अपनी विरासत में छोड़ के जाते हैं। आखिर ये कौन लोग होते हैं जो वाकई अमीर बनते हैं और वो कौन लोग हैं जो गरीब रह जाते हैं? ये जो 90% से अधिक लोग हैं जो गरीब रहते हैं और बहुत कम लोग, शायद 5% से भी कम, जो वाकई अमीर बनते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। और ये सबसे बड़ा फर्क है इस फॉर्मूले का कि ये जो अमीर लोग होते हैं उन्हें अमीर बनने का फॉर्मूला पता होता है और जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको ये फॉर्मूला कभी पता नहीं चलता, इसलिए वो जिंदगी भर काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई पीढ़ियां काम कर गई लेकिन फिर भी घर में अभी तक कार नहीं है, कई पीढ़ियों ने काम कर लिया लेकिन फिर भी आज भी परिवार अमीर नहीं बन पाया, अभी भी वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सारे लोग काम करते चले जा रहे हैं फिर भी आखिरकार परिवार अमीर क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उनको ये पता नहीं कि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं, आपको अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये चीजें याद रहेंगी। और एक बार अगर आपने जिंदगी में इस बात को समझ लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नेटवर्क बनाने से रोक नहीं सकती और आप नेटवर्क बनाना अपनी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि फॉर्मूले का मतलब क्या है। फॉर्मूला का मतलब है जो बदले ना। बहुत गौर से समझिए, आप याद कीजिए, कई बार आपने ये फॉर्मूला जिंदगी में कई बार पढ़ा होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। याद कीजिए क्या होता है, कितने लोगों को याद है? अच्छा, जिन्हें भी ये याद है यस टाइप कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। याद आ रहा है कुछ आपको? हम लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ा है। देखिए फॉर्मूला वो होता है जो चेंज ना हो। अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अफ्रीका, कहीं भी अगर ए प्लस बी द होल स्क्वायर की बात होगी तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप गरीब की बात कहें, चाहे आप अमीर की बात कहें, किसी के लिए भी ये फॉर्मूला नहीं बदलने वाला, मैथ्स नहीं बदलते। तो आखिरकार जिस प्रकार से ये फॉर्मूला है, कुछ तो अमीरी का भी फॉर्मूला होगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला जिससे ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार पैसे आते कहां से हैं और क्यों कुछ लोग बहुत कम टाइम में ही बहुत बड़ा पैसा बना पाते हैं और क्यों कुछ लोग कि खानदान से खानदान दर निकलते चले जाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला क्या है, अमीर बनने का क्या फॉर्मूला है, पैसों का क्या फॉर्मूला है, पैसे आते कैसे, इसका गणित क्या है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सो पैसे का एक फॉर्मूला है और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पैसे का फॉर्मूला क्या है, आखिर अमीरी का विज्ञान क्या है, गणित क्या है। इसे अच्छे से समझिए, पैसे का एक फॉर्मूला है टाइम इनटू स्किल। बहुत गौर से समझिए, अब ये टाइम इनटू स्किल ये फॉर्मूला कैसे है और क्या ये सही फॉर्मूला है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए पहले ये समझ जाइए कि ये फॉर्मूला सही है करेंगे। अगर आपको पैसे कमाने हो अपनी जिंदगी में तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, टाइम और स्किल। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए, कोई भी एक जीरो हो जाए तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। बहुत गौर से समझिए क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी अंक का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर जीरो से, तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो अगर टाइम जीरो हो जाए या फिर स्किल जीरो हो जाए तो पैसा भी जीरो होगा। पहले तो इसे समझ लेते हैं। मान के चलिए आपको पैसा कमाना है और आपके पास 24x7 टाइम ही टाइम है, 24 घंटे आपके पास टाइम है, लेकिन कोई काम आपको नहीं आता, आपको कुछ भी स्किल मतलब एजुकेशन, कोई काम तो आपको कोई काम नहीं आता, आप में जीरो स्किल है, आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन टाइम आपके पास पूरा है तो क्या पैसे आएंगे? कहने का मतलब टाइम 24 आवर्स है। बहुत गौर से समझिए, टाइम ही टाइम है लेकिन काम जीरो, कुछ आता ही नहीं है, स्किल जीरो, कोई काम करना आपको नहीं आता, तो क्या आप पैसे कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, जीरो। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंसान आईआईटी मुंबई का, आईआईटी बॉम्बे का गोल्ड मेडलिस्ट है, यानी बहुत टैलेंटेड होगा, काफी अधिक नॉलेज होगी, बहुत नॉलेज होगी, बहुत पढ़ाई की होगी। अब वो कहता है कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं टाइम नहीं दूंगा, स्किल बहुत है लेकिन टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। कहते मैंने टाइम दिया ना यहां पे, तब तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना, तो अब मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं काम में टाइम नहीं दूंगा, मैं टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, एक सेकंड नहीं दूंगा। अगर टाइम जीरो हो जाए और स्किल बहुत अधिक हो, काफी बड़ा स्किल है, बहुत अधिक टैलेंट है, बहुत अधिक एजुकेशन है, लेकिन टाइम नहीं देना चाहता, क्या पैसे आएंगे? जीरो।
यानी कुल मिला के सबसे पहले तो ये प्रमाणित होता है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो दोनों चीजें आपको देनी होगी, टाइम भी और स्किल भी। क्या ये क्लियर हुआ जितने लोग का? ये क्लियर हुआ यस, जरूर टाइप कीजिएगा। यानी आपको टाइम भी देना होगा और आपको अपना स्किल भी देना होगा, तभी जाके आप पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कमाएंगे। किसी भी एक को अगर हम जीरो कर देंगे तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब बहुत गौर से समझिए इसी फॉर्मूले में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझिए। ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये बात तो अब समझ चुके होंगे, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। हमने प्रूव कर लिया किसी को भी अगर हम जीरो कर देंगे उधर तो पैसा भी जीरो हो जाएगा। अब बहुत गौर से समझिए, अगर हमें पैसा बढ़ाना है, यानी कि पैसा यहाँ पे अमीरी बढ़ानी है, अमीरी तक पहुंचना है, पैसे को बढ़ाना है, तो किसी भी एक वेरिएबल को हमें बढ़ा लेना होगा। या तो टाइम बढ़ा लीजिए या तो स्किल बढ़ा लीजिए। अगर कोई भी एक बढ़ा देंगे, अगर टाइम बढ़ा देंगे तो भी पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि गुना है, मल्टीप्लाई है। अगर स्किल बढ़ा देंगे तो भी पैसा बढ़ जाएगा। यानी किसी भी एक को अगर हम रेज कर दे, बढ़ा दे, तो पैसा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, 90% लोग जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% वेल्थ है, 10% ही इनके पास संपत्ति दुनिया की, और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 90% धन है, वेल्थ है, आखिर इन दोनों के बीच में क्या गड़बड़ी है? दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही होगा, फिर दोनों की समझ में आखिर ऐसा क्या अंतर है कि दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 10% ही धन है और दुनिया के 10% लोग दुनिया के 90% धन पे कब्जा बना के बैठे हुए, आखिर क्या अंतर है? सब कुछ इस फॉर्मूले के अंदर है। अब बहुत गौर से समझिए, ये जो 90% लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये आखिर क्या करते हैं इस फॉर्मूले के साथ? ये इस फॉर्मूले के साथ जिंदगी भर जिस चीज पे ध्यान देते हैं उसका नाम है स्किल। ये जिंदगी भर स्किल पे ध्यान देते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, ये बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, हाँ ये बीटेक किया, एमबीए किया, ये किया, वो किया, और स्किल 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 दिन रात स्किल स्किल स्किल, और ये सिर्फ स्किल को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। देखिए लगता है कि अगर स्किल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पैसा भी आएगा। अब देखिए क्या होता है आखिरकार, बहुत गौर से समझिए पैसे का फॉर्मूला, मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। अब मान के चलिए कि कोई मिस्टर राम है और मिस्टर राम ने स्किल पे बहुत ध्यान दिया और अपनी जिंदगी के 25 साल में उन्होंने अपने जीवन में 10 स्किल बना लिए, 10 स्किल्स। कितने स्किल्स? 10 स्किल्स। खूब पढ़ाई की और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई, बहुत सारे काम सीख लिए, 10 स्किल्स आ गए। अब उनसे कहा गया कि भाई आप 10,000 रुपये कमा के दिखाइए, तो उन्होंने 10,000 रुपये कमाने के लिए एक स्किल का इस्तेमाल किया, और कहीं तो टाइम देना होगा, अगर टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा, ये हमने पहले ही क्लियर किया। और मान लीजिए 8 घंटे काम कर लिए, हमने कहा कि नहीं आप 20,000 रुपये कमा के दिखाइए, तो उन्होंने 20,000 कमाने के लिए दूसरा स्किल इस्तेमाल किया और 16 घंटे काम कर लिए क्योंकि कहीं तो टाइम देना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं आप 30,000 रुपये कमा के दिखाइए, उनके पास तीसरा स्किल था, उन्होंने तुरंत तीसरे स्किल का यूज किया और 24 घंटे काम कर लिए। हमने कहा कि कोई बात नहीं आप 40,000 रुपये कमा के दिखाइए, अब बात आई उनके पास चौथा स्किल है, लेकिन साहब टाइम कहाँ है, उनके पास अभी 7 स्किल्स हैं, सिर्फ 3 ही इस्तेमाल हुआ, 10 स्किल एक्वायर किया था, 7 स्किल्स बाकी है, 7 और काम आते, 7 और स्किल्स हैं, जिंदगी का 25 साल लगा दिया सिर्फ स्किल पे ध्यान दिया, अब 7 स्किल्स हैं, लेकिन टाइम नहीं है साहब, 24 आवर्स से आप बढ़ा नहीं सकते, टाइम आपके पास लिमिटेड है। बहुत गौर से समझिए, स्किल तो बढ़ा लेकिन टाइम को नहीं बढ़ा सकते। अब बहुत गौर से समझ जाइए, चूंकि टाइम लिमिटेड है तो एक टाइम आएगा जब ये भी लिमिटेड हो जाएगा, ओके यानी स्किल भी लिमिटेड यूज हो पाएगा और टाइम तो पहले से ही लिमिटेड है। अब दो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी कांस्टेंट ही रिजल्ट आएगा ना, बहुत गौर से समझ जाइए, यहां भी लिमिटेड चीज, यहां भी लिमिटेड चीज, दोनों का आप मल्टीप्लाई करा रहे तो इधर रिजल्ट क्या आएगा, ये भी लिमिटेड होगा। अब बहुत गौर से समझिए, टाइम भी लिमिटेड हो गया, स्किल भी लिमिटेड हो गया, तो पैसा तो अपने आप लिमिटेड हो जाएगा। यही रीजन है कि 60 साल तक मेहनत करने के बाद भी एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास का इंसान मिडिल क्लास तक ही रह पाता, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, उसको लगता है इतना ओवर टाइम काम भी किया, 4-4 घंटे अलग से काम किया, 8 घंटे किया, 12 घंटे किया, इतना सब कुछ किया, अमीर क्यों नहीं बन पाया, कई काम किया, अमीर क्यों नहीं, क्योंकि साहब हुआ क्या ना, उसको पता नहीं चला स्किल बहुत कुछ, कितना भी कर ले आप, टाइम तो लिमिटेड है, और जब टाइम लिमिटेड है
तो स्किल का भी लिमिटेड ही यूज हो पाएगा, चाहे आपके पास अनलिमिटेड स्किल्स क्यों ना हो, बट आप लिमिटेड स्किल्स का भी का ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम लिमिटेड आपके पास। सारे गरीब लोग, सारे मिडिल क्लास के लोग इस फॉर्मूले को चूंकि जानते ही नहीं है, इसलिए उनका सारा ध्यान स्किल पे होता है, वो जिंदगी भर स्किल डेवलपमेंट करते रह जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो गरीब क्यों रहे। आप बहुत गौर से समझिए कि अमीर लोग क्या करते हैं। फॉर्मूला तो उनके लिए भी सेम, फॉर्मूला तो किसी के लिए नहीं बदलता, ना अमीर के लिए ना गरीब के लिए, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, मनी इज इक्वल टू टाइम एंड टू स्किल। अब देखिए जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े तेज होते हैं ये जो लोग हैं। मनी इज इक्वल टू टाइम एंड टू स्किल में फॉर्मूला सेम है उनके लिए भी। ये 10% लोग जिनके पास दुनिया का 90% पैसा, वो क्या करते हैं, वो स्किल पे उतना ध्यान नहीं देते साहब, बहुत गौर से समझिएगा, उनका सारा ध्यान टाइम को बढ़ाने पे होता है। उन्हें पता है कि अगर मुझे पैसा बढ़ाना है तो इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाना है, तो वो स्किल को उतना अधिक नहीं बढ़ाते, वो सारा अपना ध्यान लगा देते हैं टाइम को बढ़ाने पे। वो क्या करते हैं, वो खुद सेंटर में आ जाते हैं, बहुत गौर से समझिए, वो खुद सेंटर में आ गए। ओके, उन्होंने बहुत सारे लोगों का 8-8 घंटा खरीद लिया, राइट, उन्होंने आपका 8 घंटा खरीद लिया, मेरा खरीद लिया मान के चलिए, और ऐसे करके एक इंसान खुद सेंटर में आया और उसने सैकड़ों हजारों लोगों का 8-8 घंटा खरीद लिया। बहुत गौर से समझिए, जिंदगी में अगर इस बात को आप समझ गए तो लाइफ में गरीब तो नहीं मरेंगे, ये मेरा चैलेंज है, गरीब मर नहीं सकते आज आप, हाँ कभी नहीं मरेंगे। अब उस इंसान ने क्या किया कि 1000 लोगों का 8-8 घंटे खरीद लिया, बहुत गौर से समझिए, 1000 लोगों का इस इंसान ने 8-8 घंटे खरीद लिया, यानी हर दिन इसके लिए कितना काम हो रहा है, 1000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो इस इंसान के लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हो रहा है। आप बताइए अमीर कौन बनेगा, ये किनारे वाले अमीर बनेंगे, ये किनारे वाले अमीर बनेंगे, या ये सेंटर वाला अमीर बनेगा, बहुत गौर से बताइए, जवाब दीजिए, किनारे वाले अमीर बनेंगे या सेंटर वाला अमीर बनेगा। यहां पे इंसान एक सेंटर में जिसने 1000 लोगों का 8-8 घंटा खरीद लिया, अब उसके लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हो रहा है, जबकि किनारे पे जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ 8 घंटा ही काम हो रहा है, उनको सिर्फ 8 घंटे का फायदा मिलेगा। अगर यहां पे ना इस किनारे पे ना एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, एक खानदान नहीं, दो खानदान नहीं, तीन खानदान नहीं, चार खानदान नहीं, पांच खानदान नहीं, छह जन जितने खानदान निकालने निकाल दो, कभी कोई अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्किल का पैसा खा रहे और स्किल पे सिर्फ ध्यान दे पा रहे हैं। जो इस फॉर्मूले में मेन चीज थी वो थी टाइम, बहुत गौर से समझिए। एक गरीब इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए अगर इस सवाल को उनसे पूछा जाए कि एक दिन में कितने घंटे होते, तो वो बोलेंगे 24 घंटे होते, लेकिन अगर आप यही सवाल किसी अमीर इंसान से पूछे वो कहेगा एक दिन में अनलिमिटेड घंटे होते हैं। बहुत गौर से समझिए, अमीरों के लिए एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, अनलिमिटेड घंटे होते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर आपको गरीब रह रहा है तो इस गणित को याद कर लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो एक नया गणित आज से याद कीजिए कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, अनलिमिटेड घंटे हो सकते हैं। और जैसे ये पता चल जाता है ना कि एक दिन में 24 घंटे से अधिक काम कैसे करना है, बहुत गौर से समझिए, अमीरी का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, मैं आपको आज बता रहा हूं। एक दिन में 24 घंटे से अधिक कैसे काम करना है, जो भी ये जान गया वो इंसान अमीर बनेगा, उसे दुनिया में कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता। वेरी सिंपल, जिस दिन में आपको ये पता चल गया कि एक दिन में 24 घंटे से अधिक कैसे काम करना है, आप अमीर बनने लगेंगे। अब बहुत गौर से समझिए, अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले एक दिन में 24 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते, वो भी मैथमेटिकली, गणित के हिसाब से, जिंदगी के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकली इंसान 18, 19, 20 घंटे तक काम कर सकता है, लेकिन 24 घंटे काम नहीं करेगा, सोएगा तो 4 घंटे के लिए सोएगा तो। कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक दिन में 24 घंटे से अधिक काम करना चाहते हैं तो आपके पास कोई और होना चाहिए, आप अकेले ये काम नहीं कर सकते, आपके पास और भी लोग होने चाहिए। अगर आपके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है जिनके काम करने का फायदा आपको मिले, तो आप 24 घंटे में 24 घंटे से अधिक काम कभी नहीं कर पाएंगे, और अगर आप एक दिन में 24 घंटे से अधिक काम नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनेंगे। इस बात को बहुत गौर से समझ जाइए। तो आप मुझे बताइए कितने लोग किनारे पे रहना चाहते हैं, और आप में से कितने लोग सेंटर में आना चाहते हैं। और अगर आप सेंटर में आना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सेंटर में कौन है साहब? सेंटर में अंबानी, सेंटर में कौन है? बिल गेट्स। सेंटर में कौन है? फेसबुक। सेंटर में कौन है? अमेज़न। सेंटर में कौन है? फ्लिपकार्ट। सेंटर में कौन है? वकील लोग जिनके पास बड़ा सा प्लेटफॉर्म है। इन सारे लोगों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो है प्लेटफॉर्म। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां आप और हम जैसे हजारों लोग काम कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है,
सवाल ये उठता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, या फिर क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म बना लें जहां हजारों लोकल से आपके लिए काम करना शुरू कर दें। और अगर आपके पास इतना बड़ा पैसा है तो डेफिनेटली आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां हजारों लोग आपके लिए काम करें, और अगर हजारों लोग आपके लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली पैसा अपने आप बढ़ जाएगा आपका। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाकी एक प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। देखिए होता क्या ना, इस गणित को थोड़ा समझ चाहिए। एक इंसान 25 साल की नौकरी क्या, मान लीजिए 30 साल नौकरी करता है। मैं क्यों बोल रहा हूं 25 साल 30 साल, क्योंकि 25 साल तक तो इंसान पढ़ाई करते रह जाता है। तो मान के चलिए 30 साल या 35 साल नौकरी करता है, 30 साल या 35 साल नौकरी करता है, तो उसके साथ होता क्या है? अगर आप 25 साल की पढ़ाई करते हैं और आपको एक नौकरी मिलती है, मान के चलिए कि आपको एक 50,000 की नौकरी मिल गई मंथली, 50,000, नॉट अ जोक, ये एक मजाक मेरी है, 50,000 रुपये जो लोग कॉर्पोरेट के अंदर कमा रहे पर मंथ, आप उनसे मिलकर देखिए, उनसे बात करके देखिए उनमें कितना टैलेंट है, कितने स्किल है और कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, तब वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे। लेकिन मान के चलिए कोई इंसान शुरुआती दिनों से ही 25 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको 50,000 की नौकरी मिल जाती है, लेकिन ये नौकरी कहाँ मिलेगी? दिल्ली में मिलेगी, बैंगलोर में, अच्छी जगहों पर मिलेगी जहाँ पर उसका खर्चा भी बढ़िया होगा। अब अगर वो महीने में 50,000 रुपये कमा रहा है तो बचा कितना पाएगा? 20,000 या 30,000 मान के चलिए, इससे अधिक तो नहीं बचा पाएगा। अब एक महीने में वो 30,000 बचाता है तो 12 महीने में यानी एक साल में वो कितना बचाएगा? 3.6 लाख। आप इसको 4 लाख मान लीजिए कि वो 4 लाख रुपए बचा लेता है एक साल में, और मान के चलिए वो 30 साल तक काम करता है, 30 ईयर्स तक काम करता है, तो वो टोटल कितना बचा लेगा? 1.2 करोड़। बहुत गौर से समझिएगा मेरी बात को, 1.2 करोड़ रुपीस आप बचा लेंगे या कोई भी बचा सकता है अगर वो 25 साल के बाद काम करना शुरू करे, उसकी इनकम 50,000 रुपीस हो और वो 30 साल तक काम करे, यानी लगभग 55 साल उसकी उम्र हो जाएगी और उसकी औकात होगी लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख। अब बहुत गौर से समझिए, अभी आपके शहर में अगर एक कट्ठा जमीन 10 लाख या 20 लाख में मिल रहा हो तो आज से 30 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी? अगर अभी आपके शहर पे एक 2 BHK का फ्लैट या 3 BHK का फ्लैट अभी 30 लाख या 40 लाख में मिल रहा हो तो आज से 30 साल के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? मुझे नहीं लगता कि उसकी कीमत इससे कम होने वाली है। और अगर हम अपने लिए घर नहीं बना पाएंगे तो प्लेटफॉर्म क्या खाक बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर 55 साल लग जाएंगे यहीं तक पहुंचने में तो प्लेटफॉर्म कब बनाएंगे और अमीर कब बनेंगे? यह भी सबसे बड़ा सवाल। इसलिए इस बात को पहले समझ जाइए कि ये अकेले काम करने का धंधा नहीं है जीवन। अगर आप अकेले काम करते हैं तो एक दिन में आप 10 घंटे से अधिक काम नहीं कर पाएंगे, 10 घंटे मान लीजिए, और 30 दिन में आप कितने काम करेंगे? 30 दिन में आप काम करेंगे 300 घंटे। 300 घंटे काम कर रहे हैं आप, 30 दिन में 12 महीने होते हैं तो कुल मिला के आप 3,600 घंटे काम कर रहे हैं एक साल में। बहुत गौर से समझिए, और मान के चलिए आपने 30 साल तक काम कर लिया, 30 साल, तो 30 साल में आप कितने घंटे काम करेंगे? थोड़ा ये देख लेते हैं, 30 आप कैलकुलेट करते रहिएगा, सही है कि नहीं? 1,08,000 घंटे, दैट्स ऑल, यही आपकी औकात है, 1,08,000 घंटे आपकी औकात, इतनी ही है, इतना आप कर सकते हैं काम, 1,08,000 घंटे आप काम कर सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। अगर आप हर रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं, सिर्फ 8 नहीं 10 घंटे काम कर रहे हैं, हम संडे मंडे सब कुछ लेके चल रहे हैं, कोई पर्व नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कोई छुट्टी नहीं, अगर आप लगातार 30 साल हर रोज 10-10 घंटे काम करते हैं तो आप टोटल 1,08,000 घंटे ही काम कर पाएंगे। अब बहुत गौर से समझिए टीम की पावर क्या होती है, नेटवर्क की पावर क्या होती है। आज अगर आपने एक टीम बनाना शुरू किया और एक साल आपने टीम बनाई और एक साल तक टीम बनाते बनाते 100 लोगों की टीम बनी मात्र, अब ये 100 लोग हैं जो आप हर दिन 4 घंटे आपके लिए नहीं खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो हर दिन कितने घंटे काम हो रहा है? 400 घंटे। 30 दिन में कितना काम होगा? बहुत गौर से समझिए, 12,000 घंटे, 12,000 घंटे। तो सिर्फ 10 महीने में कितना काम हो जाएगा? सिर्फ 10 मंथ्स में कितने घंटे काम होंगे? आइए जरा इसको निकालिए, ये होगा 1,20,000 घंटे। कैलकुलेट कर लीजिए जरा, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? 1,20,000 घंटे, 1,20,000
3.0 राइट 120,000 घंटे कितने में 10 महीनों में। आज एक साल कोई काम करे, टीम बनाना शुरू करे और टीम बनाने में एक साल में 100 लोगों की टीम बनाए, डेडिकेटेड टीम बनाए, तो एक साल के अंदर यानी कि 10 महीनों के अंदर वो इंसान 120,000 घंटे काम कर जाएगा। एक आम इंसान पूरी जिंदगी में 108,000 घंटे काम कर रहा है, पूरी जिंदगी में 60 साल की उम्र तक 108,000 घंटे, और आप सिर्फ एक साल के अंदर इसको पार कर देंगे। इसलिए कहा जाता है जहां आम जिंदगी में इंसान 55 साल में पहुंचता है, वहां एक नेटवर्क मार्केटर 1-2 साल में पहुंच जाता है, वहां से वो शुरुआत करता है। जहां लोग अंत करते हैं वहां से वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करिए, गलत नहीं बोला गया, इसके पीछे साइंस, इसके पीछे पूरा का पूरा गणित है, ये हवा हवाई बातें नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अगर आप 108,000 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको उतने का ही फायदा मिलेगा, जितना आप काम करेंगे उतने के लिए आपको पे किया जाएगा। हम अगर इसी को 108 को अभी 120,000 कर दिया सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर, तो हम तो आपसे आगे निकल ही गए। इसी बात को आपको समझना है, और जिस इंसान को ये बात समझ में आ जाती वो कभी भी पूरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए गरीब नहीं मरता साहब, वो इंसान करोड़पति बनता ही बनता है। एक बात और समझा देता हूं, जैसे कि समझ जाइए कि चाय की दुकान से क्या करोड़ रुपए आ सकते हैं, चाय की दुकान से, ये लास्ट चीज है जो मैं आपको सुना, क्या चाय की दुकान से आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, 1 करोड़ पर मंथ चाय की दुकान से, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, चाय की दुकान से आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ नहीं कमा सकते, लेकिन एक चाय की दुकान से कम से कम आप 10,000 रुपए तो कमा ही सकते हैं पर मंथ, बहुत से समझिए 10,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। तो हम एक चाय की दुकान से, एक चाय के ठेले से 10,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। सब कुछ काट छाट के 10,000 रुपए जा सकता है अगर बढ़िया से चाय बनाई जाए तो। अगर हम इसे 1,000 चाय का ठेला बना दें, अगर हम 4-5 साल 10 साल काम करके 3-4 दोस्त 1,000 स्टॉल बनाने का प्रण ले ले, कमिटमेंट ले ले कि 1,000 स्टॉल करना है, हर स्टॉल से 10,000 रुपए मंथली आएंगे साहब, 10,000 रुपए मंथली आएंगे, तो 1,000 स्टॉल से टोटल पैसा जो हर मंथ आएगा आपके अकाउंट में वो होगा 1 करोड़ रुपए। लेकिन ये चाय की दुकान से नहीं हुआ, आज इसी को आपको समझना है, ये चाय की दुकान से नहीं हुआ, ये किससे हुआ? चाय की दुकान के नेटवर्क से। जिस इंसान को ये बात समझ में आ गई वो इंसान जिंदगी भर नेटवर्क नहीं छोड़ पाएगा साहब। ये चाय की दुकान से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है चाय की दुकान के नेटवर्क से। अमीरी चाय की दुकान में नहीं, अमीरी इस नेटवर्क में, एक दुकान से 10,000 रुपए आप कमाएंगे, लेकिन अगर दुकानों का नेटवर्क हो जाए तो आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है कि अगर सच में अमीर बनना है तो इस गणित को समझिए कि आपको अकेले काम नहीं करना है, क्योंकि अकेले काम करेंगे तो उस मनी के फॉर्मूले में, अमीरी के फॉर्मूले में जो टाइम और स्किल था, तो वो टाइम कभी नहीं बढ़ पाएगा, और टाइम को अनलिमिटेड किया जा सकता है, स्किल को कितना अनलिमिटेड करेंगे और कितना भी कर दे फिर टाइम तो लिमिटेड आपके पास। जिस इंसान को अमीर बनना होता है वो टाइम पे ध्यान देता है। अगर आपने टाइम पे ध्यान दे दिया और टाइम को बढ़ाना सीख लिया, इस दुनिया में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हां इस बात को अगर आप समझ गए, किसी को भी समझा दिया, अगर आप गेस्ट भी है, अगर आप ये देख रहे हो और आपको ये बात समझ में आ जाए, आप खुद से पूछिए कि क्या आप नेटवर्क से नफरत कर पाएंगे? क्या इतना जानने के बाद भी, इस फॉर्मूले को जानने के बाद भी आप नेटवर्क से कभी नफरत कर पाएंगे? और आपको ये बात समझ में आए कि क्यों कुछ लोग बहुत अमीर है, और अब देखिए कि जितने लोग अमीर है उनके पास नेटवर्क है। अगर कोई आपके गांव में, आपके जिले में, आपके शहर में, आपके पूरे प्रदेश में अगर कोई अमीर है, उसके पास एक ट्रक नहीं होगा, ट्रकों का नेटवर्क होगा, उसके पास एक दुकान नहीं होगा, दुकान का नेटवर्क होगा, उसके पास कोई भी चीज एक नहीं है, एक से अधिक है। एक से अधिक का मतलब नेटवर्क है साहब, नेटवर्क का मतलब होता है एक से अधिक। यही काम हम यहां भी कर रहे हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप किसी चीज का भी नेटवर्क बना सकते हैं, आप दुकानों का नेटवर्क बना सकते हैं, शोरूम का नेटवर्क बना सकते हैं, किसी भी और चीज का नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सुनहरी प्रणाली है, जहां वो लोगों का नेटवर्क बना सकता है। और लोगों का नेटवर्क या किसी भी चीज के नेटवर्क का सिंपल सा जो जड़ है, जो सीक्रेट है, जो मेन जो कारण है, वो क्या है? टाइम को बढ़ाना। और अगर आप टाइम को बढ़ा गए तो आप पैसों को बढ़ा गए। आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया, अगर इतनी बातें आप समझ गए और लोगों को समझा दिया, वो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर जुड़ेंगे। बाकी बनी रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुरक्षित है। अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के इस वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आप सच में नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं और जिन्हें आप नेटवर्क में तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय नेटवर्क मार्केटिंग।